हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं पालक पकौड़े की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पालक लिया है और पालक को अच्छे से धो भी लिया है और डंठल को तोड़ के फेंक दिया है और थोड़ा सा पालक लेंगे और इसे काट लेंगे। तो इसी तरह से काटना है। तो यहाँ पर मैंने सारी पालक को काट के रख लिया है। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक को रखा है। अब इसमें प्याज को मैंने लंबा लंबा काट के रखा था, उसे भी डालेंगे और हरी मिर्च डालेंगे और कटा हुआ धनिया का पत्ता और स्वाद के अनुसार नमक देंगे और अजवाइन थोड़ा सा डालेंगे और लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और बेसन देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो अभी पानी नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बेसन और देंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिला लेंगे। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो देखिए, ये बंधा भी रहा है और अच्छे से मिक्स हो गया है और ज़्यादा बेसन नहीं देना है। तो हाथ को साफ कर लेते हैं और तेल गरम होने के लिए छोड़ दिया है और तेल गरम हो गया है और थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसी तरह से पकौड़ा को तलेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और आंच को मीडियम रखना है। अब इसे दूसरे साइड पलट देते हैं। तो इसी तरह से क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा से पक गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से दोबारा डालेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। तो दोस्तों, आप इसे घर में एक बार जरूर ट्राई कीजिए और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं और सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और तब तक के लिए बाय।